हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंग्लिश। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिड वाले क्वेश्चंस की। डिड के साथ जो क्वेश्चंस बनते हैं, डिड के साथ जो क्वेश्चंस हम पूछते हैं, उसकी आज हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बारे में आज हम जानेंगे। और दूसरी चीज़ जानेंगे कि जब हमें कभी कहना होता है कि मेरा ये काम करना अभी बाकी है, इस टाइप के सेंटेंस की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो अहेड। आज का हमारा पहला सेंटेंस है, तुमने क्या किया। तुमने क्या किया को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ये हम जानेंगे, और काफ़ी इजी है ये, तो अभी तक आप लोगों ने बना भी लिया होगा। चलिए देखते हैं, तुमने क्या किया को अगर हमें बोलना हो इंग्लिश में, तो हम बोलेंगे व्हाट डिड यू डू। व्हाट डिड यू डू मतलब तुमने क्या किया। अगर इसी को हमें बोलना हो कि तुमने कैसे किया, तो व्हाट की जगह पे हम हाउ लगा देंगे, HOW, हाउ। हाउ डिड यू डू मतलब तुमने कैसे किया। और इसी को अगर हमें कहना हो कि तुमने कब किया, तो व्हाट की जगह पे व्हेन लगा देंगे, WHEN, व्हेन। तो वो बन जाएगा व्हेन डिड यू डू मतलब तुमने कब किया। किसी काम के बारे में ही हम पूछेंगे। देखते हैं आगे, तुमने क्या क्या किया। तुमने क्या किया ये तो काफ़ी इजी है, ये बना लेते हैं हम, लेकिन जब तुमने क्या क्या किया ये कहना हो, तो ये थोड़ा सा हमें परेशान करता है, दिक्कत में डालता है। तो इसको हम सीखेंगे कैसे बोलेंगे, चलिए देखते हैं। जी हाँ, व्हाट ऑल डिड यू डू, इस तरीके से हम बोलेंगे व्हाट ऑल डिड यू डू। इसमें हमने क्या किया है, सिर्फ व्हाट के बाद ऑल पुट कर दिया है, AWL ऑल, इसको हमने बीच में लगा दिया है, बाकी वही वाला सेंटेंस पूरा का पूरा सेम है। तो हमें बस यहाँ पे ऑल लगा देना है और कुछ नहीं करना है। जब कभी बात आती है कि तुमने क्या क्या किया, तब हम ऐसे बोलते हैं व्हाट ऑल डिड यू डू। और आप लोग देख रहे होंगे डिड यू के नीचे डिड यू लिखा है हिंदी में, तो ये जो डिड यू है वो डिड यू को मिला करके डिड यू बना है, ठीक है। ये फॉरेनर लोग जो होते हैं ना, विदेशी लोग, वो लोग डिड यू यूज़ करते हैं, वो लोग डिड यू यूज़ नहीं करते हैं, वो लोग डिड यू को डिड यू नहीं बोलते हैं, वो लोग डिड यू को डिड यू बोलते हैं। तो ये एक रीज़न होता है जो उनकी एक्सेंट हम थोड़ा कम समझ पाते हैं, अच्छे से समझ में नहीं पाते, समझ में हमारे नहीं आती उनकी एक्सेंट, तो ये रीज़न होता है कि वो लोग शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। तो हमें भी सीखना चाहिए कि ये क्या है, कैसे है, क्या बोलते हैं वो लोग वर्ड्स को, कैसे शॉर्ट में बोलते हैं। तो यहाँ पे पहला वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे कई वर्ड्स मैं आगे भी आपको बताता रहूँगा। तो यहाँ पे डिड यू को हम डिड यू नहीं बोलेंगे, क्योंकि डिड यू तो हमें पता ही है, हम बोल लेते हैं, तो हम डिड यू बोलने की प्रैक्टिस करेंगे। जब कभी डिड यू लिखा तो ऐसे ही जाएगा डिड यू, लेकिन हम इसको पढ़ डिड यू सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बोलने की प्रैक्टिस करते हैं, व्हाट ऑल डिड यू डू। डिड यू नहीं बोलेंगे हम, डिड यू बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। चलिए नेक्स्ट, तुमने क्या खाया, इसको हम कैसे बोलेंगे, व्हाट डिड यू ईट। What did you eat? अब हमें यहाँ पे did you नहीं बोलना है, हमें यहाँ पे did you बोलना है, तो कैसे बोलेंगे, What did you eat? What did you eat? इसी को हमें बोलना हो कि आपने कब खाया, तो क्या बोलेंगे what की जगह पे, When. When did you eat? तुमने क्या क्या खाया, फिर से वही सेंटेंस, तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, सेम वही रहेगा What did you eat? बट हमें यहाँ पे what के बाद all लगा देंगे, तो हमारा इजी हमारा सेंटेंस बन जाएगा What all did you eat? तुमने क्या खरीदा, ये भी हमें बोलना पड़ता है, तो हम इसको कैसे पूछेंगे, What did you buy? तुमने क्या क्या खरीदा, What all did you buy? तुमने क्या बनाया, खाने पीने से बात चल रही है यहाँ पे, कि तुमने क्या बनाया आज, तो कैसे पूछेंगे, What did you make? भैया हमने डोसा बनाया है, डोसा दिख रहा है जैसे कि यहाँ पे, What did you make? तुमने क्या क्या बनाया, व्हाट ऑल डिड यू मेक। तुम कहाँ गए थे, अब यहाँ पे सेंटेंस थोड़ा चेंज हो गया है, अब यहाँ पे क्या नहीं आएगा, अब कहाँ आ गया है, तो तुम कहाँ गए थे, कहाँ को हम इंग्लिश में वेयर बोलते हैं, जी हाँ, तो चलिए इसको बोलते हैं, ये भी काफ़ी इजी है, वेयर डिड यू गो। वेयर डिड यू गो व्हाट की जगह पे अब वेयर आ जाएगा यहाँ पे, तो वेयर डिड यू गो हो जाएगा। तुम कहाँ कहाँ गए थे, ऐसे पूछना हो तो वही फार्मूला यूज़ करेंगे, ऑल लगाना है हमें वेयर के बाद, वेयर ऑल डिड यू गो।
अब हमारी ये दूसरी चीज, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा यह काम करना अभी बाकी है। हमें कई बार ऐसा बोलना पड़ जाता है कि अभी मेरा ये काम तो बाकी ही है, अभी मैंने ये काम नहीं किया, अभी तो ये काम रह गया है। कुछ भी काम हो सकता है, कि मेरा ये काम करना अभी बाकी है। तो चलिए देखते हैं, जब भी हमें कभी ये बोलना हो तो उसका फॉर्मेट, उसका रूल है आई एम येट टू एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। आई एम येट टू बोलेंगे, टू के बाद हम एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो चलिए कुछ वोकैबुलरीज देखते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ईट फूड, टेक अ बाथ, पे फीस, बाय द क्लोथ, मेक फूड। मतलब इनके हैं ईट फूड मतलब खाना खाना, टेक अ बाथ मतलब नहाना, टेक अ बाथ को हम हैव अ बाथ भी बोल सकते हैं, इसका मतलब भी नहाना होता है। पे फीस, फीस जमा करना, बाय द क्लोथ कपड़े खरीदना, मेक फूड मतलब खाना बनाना। चलिए इनका यूज़ करते हैं फॉर्मेट के साथ। यहाँ आई एम ईट टू एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ पे एक्शन क्या है हमारी, ईट, तो ईट का फर्स्ट फॉर्म ईट ही होता है। चलिए बोलते हैं आई एम ईट टू ईट फूड, मतलब मेरा अभी खाना खाना बाकी है। आई एम ईट टू टेक अ बाथ, मतलब अभी तो मेरा नहाना बाकी है, अभी तो मैं नहाया ही नहीं है। आई एम ईट टू पे फीस, मेरा तो अभी फीस जमा करना बाकी है। अब यहाँ पे बोल रहा है आई एम येट टू बाय द क्लोथ्स, मेरा तो अभी कपड़ा खरीदना बाकी है, कपड़े खरीदने बाकी हैं, अभी तो मैंने कपड़े नहीं खरीदे। आई एम येट टू मेक फूड, मेरा अभी खाना बनाना बाकी है। कभी किसी ने कहा खाने बनाने के बारे में, तो हमको ये बोलना पड़ सकता है कि अभी मेरा खाना बनाना बाकी है, कपड़े खरीदना बाकी है, तो हम इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी वाकब आप बनाइए आगे और इसमें लगाइए, बोलने की प्रैक्टिस करिए, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून विथ नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।